हम लोग क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउंस कहते हैं। ये आप लोग ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, द नाउंस विच कैन बी काउंटेड टू टेल नंबर आर कॉल्ड काउंटेबल नाउंस, यानी जिनकी हम लोग संख्या बता सके उसको हम लोग काउंटेबल नाउंस कहते हैं। अब जो नाउंस को हम लोग गिन सकते हैं उनको दो फॉर्म्स में बांटा गया है, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। यानी कि अगर किसी भी नाउन की दो फॉर्म्स पे जो बांटा गया वो किस आधार पे है कि अगर हम लोग नाउंस को गिनते हैं तो उनका दो ही तरीके से उनकी संख्या हम लोग बता सकते हैं, या तो एक उनका संख्या एक होगा यानी उनका जो नंबर होगा या तो एक होगा या तो एक से अधिक होगा, एक से अधिक में दो तीन चार पांच जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे जो हम लोग नाउंस को काउंट कर सकते हैं उस नाउंस को दो फॉर्म्स में बांटा गया है जिसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं, तो सिंगुलर नंबर वो नंबर होता है या वो नाउन होता है जिसका नंबर कितना हो, एक, यानी कि जिसकी संख्या, कोई भी अगर नाउन जिसकी संख्या एक है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। लेकिन अगर कोई भी नाउन जिसकी संख्या एक से अधिक होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो प्लूरल नंबर में है, लेकिन जिसकी संख्या एक होती है उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर में है, जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 1, 2, 3 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ओके, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जो नाउन सिंगुलर नंबर में है उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग उसमें एस ऐड करते हैं, ईएस ऐड करते हैं, वीईएस ऐड करते हैं, आईईएस ऐड करते हैं। तो इसके बाद हम लोग यही कन्वर्जन पढ़ेंगे कि कब हम लोग एस ऐड करेंगे, कब ईएस ऐड करेंगे, कब वीईएस ऐड करेंगे, वो चीज। यहाँ पे देखिए मैंने सिंगुलर और प्लूरल नंबर के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि बलून है, तो बलून का अगर संख्या यानी अगर नंबर 1 है तो हम उसे बलून बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे बलून्स हैं तो हम लोग बलून में बलून्स बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, इसमें एस ऐड हो गया। उसी तरह पेंसिल है, अगर पेंसिल की संख्या 1 है तो हम लोग सिर्फ पेंसिल बोल रहे हैं, लेकिन अगर उसकी नंबर 1 से अधिक है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंसिल्स बोलते हैं, उसमें एस क्या किए हम लोग ऐड किए हैं। पेंसिल्स बोलने का मतलब क्या, या बलून्स बोल रहे या फिर बॉयज पेंस बुक्स, यानी कि उसका जो नंबर है वो नंबर उसका 1 से अधिक है, ठीक है, वो प्लूरल नंबर में है। अब हम लोग रूल जानते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल 1 कह रहे कि मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर्स, यानी जो सिंगुलर्स उसके होते हैं उसमें एस ऐड करके हम लोग ज्यादातर नाउन्स को क्या बनाते हैं, प्लूरल्स बनाते हैं, यानी उनकी संख्या एक से अधिक हो जाती है। जैसे यहाँ रोज है तो उसको उसमें एस ऐड किए रोजेस, शॉप है एस ऐड किए शॉप्स, ट्री है एस ऐड किए ट्रीज, टेबल एस ऐड किए टेबल्स। ओके, उसी तरह आप अपने बुक में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नाउंस दिए गए हैं जिनमें एस ऐड करके हम लोग उसको प्लूरल्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बुक है तो बुक्स, पेन है तो पेन्स, ट्री है तो ट्रीज, पेंसिल है तो पेंसिल्स। तो इस तरह से ऐड करके हम लोग एस ऐड करके प्लूरल्स में कन्वर्ट करते हैं सिंगुलर नाउन को। उसके बाद रूल 2, दूसरा नियम क्या है, तो नाउन जो कि एंड करते हैं एस पे खत्म हो रहे हो, डबल एस पे खत्म हो रहे हो, एच एस एच या फिर सी एच पे खत्म हो रहे हो, तो ऐसे नाउन्स जो इन सब जिनकी लास्ट में ये सब आते हैं एस डबल एस एक्स एस एच और सी एच, उनका प्लूरल्स हम लोग उसमें ई एस ऐड करके बनाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आपको दे दूं एच, तो एच में आप लोग देख रहे हो लास्ट में डबल एस है ना, तो इसलिए अगर हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं तो एस एस बोलते हैं, तो ए डबल एस क्योंकि लास्ट में डबल एस था तो हमने क्या ऐड किया है, ई एस ऐड किया है। उसी तरह बुश, लास्ट में एस एच है तो इसमें ई एस ऐड करेंगे बुशेस। फिर फॉक्स, एक्स है लास्ट में तो उसमें हम लोग ई एस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉक्सेस। वॉच है तो सी एच है लास्ट में तो उसमें क्या ऐड
एस तो वॉचेस। तो इसी तरह जिसके भी लास्ट में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स हो उसके लास्ट में ई एस एड करते हैं उसको प्लूरल फॉर्म में लाने के लिए। रूल थर्ड, अगर कोई भी नाउन वाई से खत्म हो रहा है ठीक है और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो ठीक है, कॉन्सोनेंट और वोवेल आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है। तो कोई भी नाउन अगर वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट आता है तब अगर उसको हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह पर क्या ऐड करते हैं आई ई एस ऐड करते हैं ठीक है। जैसे यहाँ पे आर्मी है तो आर्मी के लास्ट में वाई है और वाई से पहले एम, एम क्या है कॉन्सोनेंट है तो तब हम लोग इस वाई को रिमूव कर दिए और तब हम लोग देखिए आई ई एस ऐड किए तो ये क्या बन गया आर्मीज। उसी तरह कॉफी कॉपीज लेडी लेडीज इन सब में देखो वाई से पहले पी है जो कि कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले डी है जो कि ये भी एक कॉन्सोनेंट है। इसके बाद रूल फोर, अगर नाउन जो है वो वाई से एंड हो रहा है ठीक है लेकिन उस वाई से पहले अब वावेल आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, तो अब जब वाई से पहले वावेल आता है तो हम लोग उसका प्लूरल सिर्फ उसमें एड एस एड करके बनाते हैं ना कि उसके वाई को हम लोग रिमूव करेंगे ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जॉय है वाई से पहले देखो ओ है, ओ एक वावेल है तो उसमें हम लोग एस नहीं ऐड, उसमें हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट एस ऐड करेंगे और वो जॉयस हो जाएगा ठीक है। इस वाई से पहले चूंकि वर्ब है तो हम लोग वाई को रिमूव नहीं करेंगे लेकिन अगर कॉन्सोनेंट होता तो हम लोग वाई को रिमूव करते और उसकी जगह पर आई ई एस ऐड करते हैं लेकिन अगर वर्ब है तो डायरेक्ट हम लोग एस ऐड करते हैं। उसी तरह टॉय तो टॉयस हो गया, ट्रे तो ट्रेस हो गया, इन सब में देखो तो वाई से पहले वोवेल है आपका। रूल फाइव, नाउन जो कि एफ या फिर एफ ही से एंड होता है ठीक है उनका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एफ और एफ ही को हटा देते हैं और उसको वी ई एस में बदल देते हैं ठीक है। जैसे कि यहाँ पे काफ है लास्ट में एफ है तो इस एस को क्या करेंगे हटा के काप्स यानी वी ई एस लगा देंगे तो ये क्या हो गया काप्स। उसी तरह नाइफ है तो नाइफ्स, वाइफ है तो वाइफ, जैसे लास्ट में एफ ई है ना इसमें तो इस एफ ई को हटा कर यहाँ वी ई एस का एडिशन कर देते हैं ओके। लेकिन देखिए कुछ नाउन जो होते हैं वो एफ और एफ ई में खत्म होते हैं लेकिन उनका प्लूरल जो होता है वो सिर्फ उसमें हम लोग सिंपली एस ऐड करके बनाते हैं ठीक है। जैसे चीफ है यहाँ एफ पे एंड कर रहा है तो आप सोचोगे इसको हटा के सी एच आई पी एस कर दे तो ये रॉन्ग हो जाएगा ठीक है। इसमें डायरेक्टली हम लोग एस ऐड करके चीफ बनाते हैं। रूफ है तो रूफ, सेफ है तो सेफ ओके। तो ये कुछ ऐसे नाउंस है जिनको हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट कर जो लास्ट में एफ और एफ से तो खत्म होते हैं लेकिन उसमें वी एस नहीं बल्कि हम लोग सिर्फ एस का एडिशन करते हैं। और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स है जो आपके बुक में अवेलेबल है जो आप देखोगे कि और कौन कौन से ऐसे नाउन है जो एफ और एफ से एंड करते हैं बट वो उसके लास्ट में हम लोग एस ऐड करते हैं। अब रूल सिक्स, ऐसे नाउन जो ओ से एंड करते हैं ठीक है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उनका हम लोग प्लूरल जो है उसमें ई एस ऐड करके फॉर्म करते हैं ठीक है। जैसे बुफेलो है लास्ट में ओ है लेकिन ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तब हम लोग क्या करेंगे इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ई एस ऐड करके बुफेलोस बनाएंगे। मैंगो है तो मैंगोस ओके। उसी तरह सम ऑफ सम नाउंस फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय अ चेंज ऑफ द इनसाइड वोवेल लेकिन कुछ नाउंस जो है वो यहाँ पे दिया है कि वो अपने प्लूरल को बदल प्लूरल में बदल सकते हैं उनके अंदर के वोवेल को हम लोग चेंज करके। जैसे कि फुट है तो इस फुट में देखिए अंदर आपका डबल ऑफ वोवेल है ना इस डबल ऑफ वोवेल को हम लोग डबल ई में चेंज कर देंगे तो जहां ये वोवेल डबल ऑफ प्रेजेंट
को डबल ई में चेंज कर देते हैं और वो इस तरह से उनके अंदर के वॉवेल को बदल के हम लोग उसके को प्लूरल में बदलते हैं, जैसे फुट, फीट, माउस में, माउस का ओ यहाँ पे रिमूव हो जाता है, माइस, गूस, गीज, टूथ, फिट, मैन, मेन, वोमेन और वोमेन, यहाँ पे ए वॉवेल है जो कि ई में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे वॉवेल का कन्वर्सन हुआ है, वॉवेल बदला है, चेंज हुआ है और इसलिए इस तरह से वॉवेल चेंज करके इसको प्लूरल में बनाया गया है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स एक टॉपिक बस रह गया है, ये कि इससे पहले आपने ये देखा कि यहाँ पे ओ जो है, जो ओ से एंड हो रहा है उससे पहले अगर वॉवेल है तो वहां पे हम लोग ईएस ऐड, सॉरी कॉन्सोनेंट है तो वहां पे हम लोग ईएस ऐड किया। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ओ से एंड होते हैं लेकिन अगर उनको प्लूरल में अगर हम लोग को बदलना हो तो हम लोग उसमें डायरेक्ट एस लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आपका पियानो, ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो पियानो, ठीक है, ये ओ से एंड हो रहा है तो आप सोचोगे इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ई एस ऐड करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ एस ऐड करके पियानोस बनाते हैं। किलो है तो उसको हम लोग किलोस लिखते हैं, सिर्फ एस ऐड करते हैं, इसमें ई एस नहीं ऐड करते हैं। अब आप अपनी ग्रामर बुक को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसमें ये आपका ऑलरेडी दिया हुआ है कि ऐसे कौन कौन से नाउन से जो ओ से तो एंड करते हैं बट उनका प्लूरल सिर्फ उसमें एस ऐड करके हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि देखिए ये कुछ नाउन जो है वो अपने प्लूरल को फॉर्म, यानी कि इनको अगर प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसमें ई एन ऐड करते हैं। जैसे ब्रदर, ब्रदर का ब्रेथरन हो जाता है जो कि लास्ट में ई एन ऐड करके बन रहा है। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ब्रदर्स नहीं हो सकता, ब्रदर्स भी और ब्रेथरन भी दोनों इसका क्या है, प्लूरल है। ओके, ऑक्स का ऑक्सिन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, तो ये क्या है, लास्ट में ई एन ऐड करके आपका ये प्लूरल फॉर्म हुआ है। उसी तरह ये कुछ कंपाउंड नाउंस है, कंपाउंड नाउंस कहने का मतलब क्या कि इस वर्ड में बहुत, मतलब एक दो या दो से अधिक नाउन जुड़ के बने हुए रहते हैं, जब दो नाउन जुड़ के बने हुए रहते हैं तो वही कंपाउंड नाउंस होता है। जैसे यहाँ पे सन इन लॉ दिया है, ठीक है, तो सन इन लॉ इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो जो मेन नाउन होता है उसमें एस ऐड करके, तो इसको सन्स इन लॉ कर देते हैं। उसके बाद मेड सर्वेंट, तो यहाँ मेन क्या है, सर्वेंट है, तो यहाँ पे मेड सर्वेंट हो जाएगा। पासर बाय, तो इसका पासर्स बाय। स्टेप मदर, तो स्टेप मदर्स। वॉशरमैन मैन, तो देखो वॉशरमैन में लास्ट में मैन आया है तो मैन का प्लूरल आप लोग क्या करते हैं, मैन करते हैं ना, तो यहाँ पर वॉशर मैन कर देना है। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। और इस तरह से ये कुछ कंपाउंड नाउंस के आपके प्लूरल्स हैं। स्टूडेंट्स एक और बात, कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो कि जिनका सिंगुलर और प्लूरल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि शिप, शिप एस एच डबल ई पी, शिप, डियर, ये और भी आपके बुक में एग्जांपल्स दिए हैं वो आप पढ़ लोगे खुद से कि ये शिप, डियर, ये सब कुछ नाउन ऐसे नाउंस होते हैं जिनका जो प्लूरल्स में भी यही होते, इसमें एस नहीं ऐड करके आप लोग इसका प्लूरल्स बनाओगे। शिप का प्लूरल शिप होता है, डियर का प्लूरल भी डियर होता है। ओके, तो ये आपका टोटल कन्वर्सन था सिंगुलर नाउन का विद प्लूरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन को कैसे हम लोग प्लूरल नाउन में उसमें एस, ई एस, वी एस, आई एस चेंज करके हम लोग किस तरह से ऐड करके प्लूरल्स में चेंज करते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, आप सबको ये समझ में आया होगा। नाउ यू हैव टू डू वन मोर, दैट यू हैव टू डू योर बुक वर्क, यू हैव टू फिल योर बुक ऑफ दिस चैप्टर एंड यू हैव टू सेंड इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप फॉर चेकिंग। आई इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर देन यू विल आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू।
थैंक यू ऑल ऑफ यू. एंड वन मोर थिंग कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल होगा. सो कीप स्टडी ऑल ऑफ यू. थैंक यू.